महुदा क्षेत्र के सिंगड़ा पंचायत अंतर्गत पांडेडी में करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित पानी टंकी के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। महुदा क्षेत्र के आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही टंकी, पाइपलाइन आदि में मानकों की जमकर अनदेखी की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा करोड़ों की लागत से परियोजनाएं स्वीकृत है। बनने वाली पानी टंकी सहित पेयजल की परियोजना को स्वीकृत किया है। वहीं टंकी निर्माण में दोयम दर्जे के सीमेंट का प्रयोग किया गया है। घटिया पाइप लगाई जा रही है, इससे सरकार की महत्वपूर्ण योजना के लिए अवमुक्त किए गए धन की लूट खसोट की जा रही है। इससे जलापूर्ति चालू होने के पहले ही पेयजल योजना पटरी से उतरने की पूरी संभावना है। अनुमान के अनुसार 50 घरों में नहीं पहुंचा कनेक्शन, कहीं पाइप निकालकर छोड़ दिया तो कहीं टूटे नल से पानी की हो रही बर्बादी। लोग पानी का जार खरीदकर पीने को मजबूर हैं। सड़क किनारे गड्ढा कर ऐसे ही छोड़ दिया एवं ग्रामीण सड़क को भी ठेकेदार द्वारा तोड़कर बर्बाद कर दिया गया। क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जिसकी शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं, किंतु ठेकेदार एवं अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही टंकी से पानी लीकेज होता साफ साफ दिखाई दे रहा है और टंकी में बिना प्लास्टर के सफ़ेद चूना से लीपा पोती कर अपने अधूरे काम को छिपाना शुरू कर दिया गया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने PhD विभाग के SDO सोमार मांझी से पूछना चाहा तो उन्होंने साफ साफ इससे बचते हुए कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर एक अधिकारी इस तरह की बात करे तो जनता किस पर यकीन करेगी।